जो वीडियो छो वो छो उत्तरायणी कौतिक पर भाग छ तो वीडियो स्टार्ट करना। सभी दोस्तों का नमस्कार, मैं बागेश्वर महपाल और अभी आप देख रहे हैं बागेश्वर उत्तरायणी कौतिक की तैयारी। अब जो है मतलब द्विदिनाई बज रही फिर जो उत्तरायणी कौतिक जो और जय लीजिए जो सरयू नदी बगड़ में जो पहली ला नाव चल रही थी वो नाव फिर एक आई है और वो लीजिए जरा सा पानी कितनी भराओ जो छो पानी का जो कट चिन्ह बजरी कट धरी नहीं और फिर जो छो या नाव चले और मतलब यार यश होने वाले छो और अलभेर जो छो हेलीकॉप्टर लो होने वाले छिन तो मतलब ये छो कि अगर तुम हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ रिया तो वो कुछ शुल्क दिवे तुम हेलीकॉप्टर में बैठ सकता। जेल जो छो मतलब मन में जश लो तो मन में मतलब उद्गार होने वो हेलीकॉप्टर में बैठ लो तो वो चीज कर सकता। तो ये देखो यार नीलेश्वर आहा मजोगो और इतनी जो चिन्ह हमारे नगर पालिका अध्यक्ष और जो मित्रगण चिन्ह वो सामनी चिन्ह यो इतनी जो छो दंगल जो तुम देख न पहलवान लोग जो होनी वो कुश्ती लड़नी और यह यश चीज चिन्ह की जेल चुन शारीरिक विकास हूँ तो वो चीज या म्याल में देखना कोशिश है। म्याल मतलब हूँ कौतूहल तो कौतूहल लीजिए जो हेलीकॉप्टर अलवेर एक नई चीज करे वो चीज और मेन जो छो सबसे पहली जो छो अब वो इजू को कि जा तू हेलीकॉप्टर में बैठ जा कभी मतलब हंसनी वाले बात नहीं। मीन सबसे पहले अब ये जो कहो मीन का अगर तू बैठ जा मैं टिकट खरीदना हो उनको नहीं जा मीन बैठन मीन का डर लगू ठीक छो। फिर मीन ये जो कहो कि बाबू पूछ कि अगर वो हेलीकॉप्टर में बैठनी मैं बैठूंगा क्योंकि हम लोग जो था हम पहाड़ा यश क्षेत्र में छा जहाँ ट्रेन हेलीकॉप्टर हवाई जहाज यो जो छे मतलब असंभव चीज छे क्योंकि हम लोग ने किस्मत कहो या क्यों कहो कि आज़ादी इतु साल बाद ना हमूल ट्रेन देखे गई और न हवाई जहाज चिन्ह के सुविधा नहीं लेकिन फिर जो चुन हम खुश छा धार्मिक नगरी चु इमोशनली चीज ज़्यादा फोन ना तो मैं नमस्कार तो मैं कोशिश की यार मैं इतनी अरे थी सरयू नदी तट में और यहाँ जो जो अल्लब उतरनी कौतिक लग गो और सब लोग जो चिन ऊनी जखनी को कान छेदना को नन्ना सामान खरीदना मल झूल लग रही और क्यों यार और ही अरे और सबसे ज़्यादा तो हमारे शंकर भाई जो अल्लाह बता कि सेल्फी मतलब सेल्फी पॉइंट जो इतनी बड़ो आई लव बागेश्वर तो उम्र जो ना हमारे जो नंदिन चिन ये देखो तो एकेडमी सेल्फी में इतनी बोल्ड में आई लव बागेश्वर कबीर फोटो खींचनी परिवार सहित होनी और कोशिश करनी यार हम जो छो इतनी मतलब फोटो खींचो ना और जैल जो छो हम मतलब एक यादगार कि हम बक्से रिक्शा कर तो ये देखो यार हमें बहन इतनी फोटो खींचने तुम्हें ये चक्कर में हिगड़ के जब भैया तुमको थोड़ा सा दिखाना कोशिश कर लो कि यार कस दिखी नो यार या तो और ही चहल पहल रहे आई मी हिगड़ नहीं जरी एक का जाग छू तो मैं जो बात होनी थी सेल्फी पॉइंट है वो छू आई लव बागेश्वर तो यह जो छो एल मुख्य छो और सबसे ज्यादा आकर्षक यह होने वाल छो सामने देखो तुम झूमर पुल में ये देखो यो रात यश चमकने वाल छे ना कि जबरदस्त। मैडम जी नमस्कार, क्या बात है, नमस्कार, कैसा लग रहा है ये बताओ तुम पहले। बहुत ही बढ़िया, इस बार तो बहुत ही रौनक है। मैं पहले ही मेले से पहले देखो आई मेले स्टार्ट ना हो रहा लेकिन ये वाला तो मुझे गजब लगा। ये देखो झूमर वाला है, क्या जबरदस्त मतलब यार उन्होंने जब बरात तैयारी नहीं उन्होंने पूछा। मैं एक चीज पूछूंगा, जिसने भी ये डेकोरेशन किया है चाहे जिला अधिकारी महोदया नहीं है हमारे सुरेश खेतवाल जी अध्यक्ष है, कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, मेले से पहले ही रौनक होगी। और एक चीज और कहूंगा, अगर आपको कहेंगे कि 100 में से नंबर दो इनको, कितने नंबर दोगे? अरे मेरे 100 प्लस में है बाप बाप रे, मतलब ज्यादा हो तो प्लस तो मतलब एक नंबर ना हाँ। उसका मिल जाएगा इनको ये डेकोरेशन करने का, फर्स्ट टाइम लग रहा है कि बागेश्वर में मेला हो रहा है। अरे बाप रे, अलवेर तो हेलीकॉप्टर लो ना। हाँ वही तो आ रहा है, तो बैठोगे? हाँ बैठोगे, अगर हमारा महिपाल बैठाएगा तो बाप रे। तो यार ये तो बड़ी खतरनाक बात कहती है, महिपाल बैठा लो तो तब बैठे हेलीकॉप्टर में। तो देखो होल्डर अभी सबर हो यार, ये तो गजब हो गया यार कसम से। नमस्कार, तो गजब यार
आई लव बागेश्वर। अब जो छो मैं आपू मित्र शंकर भाई दगे भेटनी और वो जो छिन मैं पहले आपू शकल पे दिखा तो कस लागो वीडियो जरूर लिखो मैं तुम्हें कमेंट बनो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रतन सिंह जी, क्या बात है यार। मैं आपू शंकर, मैं मेरा बचपन का प्यार मतलब बचपन का दोस्त मेरा बैठा है और हम भी अजानी बैठे। शंकर भैया नमस्कार। ये अब हम दिए दगड़ी, हम स्कूल में इसके बैठ जाए, यो फर्स्ट मी जो पिछार में पढ़ने में कमजोर भई, यो हमेशा एक बटी हम दगड़े भैया, दी तीन चार पाँच छः जदू पहुँचा, जहाँ तक मी फेल ने भई वहाँ तक हम दगड़े गया। पूर्ण भैया तो यो ना ना मी फेल भी तू थोड़ी तू तो ही गड़ी पर तो ना मी फेल भी तो मी कौन चाहना शंकर भाई कहा लगना बहुत बढ़िया मजा आ रहा है ना, शानदार मजा आ रहा है, अच्छा माहौल ये देखो कभी महोदय लगी हमारी रंगत होने ना यार। मतलब मैं एक चीज कह रहा हूँ, जैसे ठीक है आप पत्रकार हैं अमर उजाला में, इनकी बहुत बागेश्वर की जितनी खबरें हैं जो दूर खबर तुम पढ़ जा, हमें शंकर भाई जो चीन इन्हें लेखनी छू और इन्हें ये स्पेशल चल रहा हूँ जो अतीत की उतरैनी, मतलब अतीत मतलब जो पहली बीत रहो वो बुजुर्ग ने हर दिन ये पूछनी कि तुम मतलब क्या महसूस करो ये उतरैन, तो वो बतौनी कि को कहूँ कि यार हम जो थे हमें टाइम पर यहाँ मूँगफली हम जो थी मूँगफली खाचिया, तब एक शौक थी मूँगफली बाजार में मूँगफली रेनालो कूँ को कहूँ कि भुजा मीठा खाना लीजिए हम बाजार उचिया, को कहूँ कि हम जलेब खाने लीजिए ऊँचा, तो मतलब अलग अलग क्योंकि गाँव घर में यार इधर संभव नहीं थी, मैं सब काम में नहीं रोने भाई, लेकिन उन्होंने वो चीज़ पूछने फिर अखबार में यो हर दिन छपनी और बहुत ज़बरदस्त विशेषांक न लगातार चलो सुपर हिट रहो, तो यार तुम लोग कहाँ पर सीखो मतलब की प्रेरणा है तुमको कैसे है कि तो कहो यार। असली में उत्तरायणी मेल जो है ना हमारे बक्सरम मुख्य मेल, मतलब उत्तरायणी की शुरुआत जो है बागेश्वर से ही है, बागेश्वर से, और पहले क्या था कि मेला ही एकमात्र मनोरंजन का साधन था, साथ ही इसका व्यापारिक महत्व भी था, तो लोग मेले में पूरे साल भर की सामग्री खरीद लेते थे, तो उनको लगता था यार कि मेला आएगा तो पूरा पहले से अपना इंतजाम करते थे, रुपये जो भी आना पाई पैसा रुपया सब चीजें व्यवस्था पहले कर देते थे, तो आके वो मेले से सामान खरीद ले जाते थे। ऐसे मेरे एक बार विचार आया, पिछली पहली बार मैंने 2021 में ही छापा था, तो मेरे मन में विचार आया यार कि बुजुर्ग पहले से मतलब कैसे मेरा देखते थे, अब तो काफी बदलाव आ गया है, आज आज वो बदलाव भी हो चुके, गाड़ी में बैठे चट्टे पूछ जानी चट्टे पूछ जानी, पहली जो भाई एक दिन पहली होने भाई और बहुत चीज होने मतलब रात हीट बेद सब रत्ता पूछती। अच्छा मुख्य के जी मेल मिला, मेल पहले टाइम में कि तुम गाड़ी में बैठो आप परिवार को लाओ मेल दिखाओ घर ले जाओ, हाँ। पहली के जी सर को भाई इकट्ठा आ गया, हाँ। मतलब गांव वालों को एक दिन फुर्सत मिल गई, वो इकट्ठे हुए इकट्ठे वो मेला देखने आए, हाँ। घर गए, हाँ। मतलब अच्छा माहौल रहता था, तो बल्कि कुछ बुजुर्गों ने मुझे जो बताया कि बागेश्वर में जो है गढ़वाल से लोग आते थे, हाँ। कुमाऊं के तो हमारे हुए, हाँ। तो कुमाऊं गढ़वाल का एक हिसाब से संगम भी यहाँ हो जाता था। और मैंने एक जगह पढ़ा ये जब हमारा जो ये कुली बेगार जो हुआ वो कुली बेगार बागेश्वर से प्रारंभ करने का मेन कारण था कि इस मेले में इतनी अधिक मात्रा में लोग आया करते थे कि मतलब ये तरह की मतलब अगर एक चीज़ यहाँ पर की जाए तो वो बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाए। आज तो सोशल मीडिया है, अखबार है कि आप एक बार अखबार में कुछ चीज़ डाल दो या सोशल मीडिया में डाल दो तो हजारों लोगों तक पहुँच जाए, लेकिन पहले से क्या होता था लोगों को इकट्ठा एक साथ होना बहुत असंभव था। तो ये जो है यहाँ मकर संक्रांति में जब बहुत अधिक भीड़ रहती थी तो कुली बेगार के लिए जो हमारे कुली बेगार का आंदोलन था उस आंदोलन को जन जन तक पहुँचाने के लिए एक आइडिया आया कि बागेश्वर में एक मेला होता है उत्तरायणी, वहाँ जाया जाए और जब वहाँ पर हजारों मात्रा में लोग होंगे तो हम जो हैं वहाँ इन चीज़ों को बताएंगे तो लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एक आक्रोश उत्पन्न होगा और पूरे देश में फैलेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। बताया जाता है कि कुली बेगार जब हुआ था तो 40,000 लोग सरयू तट पे इकट्ठे, यानी उनने पहले से जैसे ये कुली बेगार की एक और कहानी बताऊँ आपको, कुली बेगार में जब हमारे बद्रीदत्त पांडे जी आए थे तो ये हमारा चामी गांव जो है चामी गांव वहाँ इस पर चर्चा हुई थी, जो अभी कमरा अभी भी है वो हाँ। कमरा अभी जाना जाता है जो होली की होली खई हो, हाँ। तो उसके उसके रूप में है, मतलब होई जहाँ खई जहाँ होई प्रारंभ होनी और जहाँ होई गाई नहीं हो खई भाई, तो वो कमरा इलाज हुआ वहाँ बैठ के उनकी चर्चा हुई, तय हुआ कि हम जो है 21 जो यहाँ 1921 में
सरयू तट पे इकट्ठा हुआ। और उसमें एक चीज और है, बद्री पांडे जी की एक किताब कुमाऊं का इतिहास में दो चीजें मिस हैं। एक तो बागेश्वर के थोकदार रमेश कृष्णक जी ने बहुत जबरदस्त बात कही, जब इस पर चर्चा हुई उन्होंने कहा बागेश्वर के थोकदार अगर उस दिन यहाँ पर खड़े नहीं होते तो अंग्रेजों के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था। तो वो इतिहास में नहीं है लेकिन उनकी उस समय मौजूदगी, क्योंकि थोकदार जो होता था बहुत बलशाली अपने क्षेत्र का होता था और वो लोग बिल्कुल खड़े हुए वहाँ पर और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इन अंग्रेजों के इस कुली बेगार का हम यहीं से बिगुल बजाते हैं और हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। तो अगर उस दिन थोकदार अगर इनका सपोर्ट नहीं करते बद्रीदत्त पांडे जी का, तो ये जो है ये आंदोलन आज इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता हमारे देश में जो आजादी। तो थोकदारों का जिक्र जो उनकी किताब में नहीं है ये विशेष बात है। अच्छा, कुछ उस आंदोलन का फायदा भी हुआ उत्तरायणी को। फायदा क्या हुआ कि उत्तरायणी जो पहले से व्यापारिक सांस्कृतिक धार्मिक महत्व की थी उसमें अब राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व भी, ऐतिहासिक। अब देखा जाए तो उत्तरायणी हमारा पंच महत्व का मेला है। पंच थोड़ा खड़े उठ के भी देखे पंच आज तो जो है देखा देखिए उत्तरायणी अब कई जगह राजधानी में उत्तरायणी हो रही है, लखनऊ में उत्तरायणी हो रही है, तो काफी जगह उत्तरायणी का मेला जो है होने लग गया। लेकिन मुख्य देखा जाए तो उत्तरायणी बागेश्वर की, मुख्य तो बागेश्वर। और पुराने समय में कहा दो एक दिन दो दिन के मेले होते थे, तो मेला बदल के अब लगभग आपका ये 10 दिन पहुंच गया आपको। हाँ, इस बार तो 10 दिन का है, ये भी विशेष बात है। तो मेले ने काफी तरक्की की है और लेकिन जैसे हमारे देखे देखे में यार मतलब म्यालमित के अंतर आया शंकर। एक तो गाड़ा बगड़ में पहली पे दुकानें लग थी, ये अंतर आ कि अब जो चाहे बाजार यहाँ साइड, क्योंकि हम इतनी पतंग वतंग उड़ोचिया मतलब म्याला हमली जी के मतलब नहीं होने पर झुलूल में थोड़ी देर बैठ गया डबल खत्म भया फिर यहाँ बैठ फिर गाड़े किनारे बैठ उन पर हम पतंग उड़ी पाया सुनसान हो रही थी। तो आज ये समय थो कि यहाँ जो चिन्ह पूरा दुकान लगनी, हाँ पूरा दुकान लगनी, घूमती उसको कोई देखता नहीं, घूमती वहाँ कोई नहीं जाती। आज लंबा होगा, आज फुल प्लेटफॉर्म बना रखो और वहाँ जो चिन्ह उसकी मैच रूनी या उतनी दुकान लगूनी। तो यह बहुत अच्छा, एक बदलाव हो रहा है, एक बदलाव ये कि पहले भराड़ी मेल नहीं होती, ये भराड़ी मेल में ज्यादा भीड़ होती है। हाँ भराड़ी मेला बात के बाद की कपूर साइड है हमारा मतलब अब कम है, कम है वहाँ वहाँ मैच थोड़ा सा उन्होंने यार जो हमारे मेल ये है जाओ तो बढ़िया जो अब हम जरा नुमाइश ग्राउंड हो जानू है तो चर्चा करते जानू। कवि साहब के छो गंगा तूने तो तुम देखते रहो यार कहाँ पर देखना चाहो, ये चंडीगढ़ पे देखनी है हमें गुरु जी हल्ते देखना चाहिए यार। ये हमारी भावना बहन है बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हैं और मैं तुम्हारा हर ब्लॉग देखता हूँ कमेंट भी मारता हूँ बहुत ही बढ़िया है यार भाई गॉड। अगर यहाँ पर आई होती मैं उनसे बात भी करता अभी। ये देखो यार झूल बन गई यार झूल में बैठा गजब यार भैया यो छूत रहे। अच्छा एक मेले में बदलाव जो सुरेश केतवाल लाए वो नया ये था कि इसमें मैटिंग की थी, मैट मैट था, एक बदलाव ये वाला ना मैट वाला 2020 में आप हाँ हाँ। और दूसरा ये गेट है प्रदर्शनी है इधर की हाँ। तो यार ये देखो यार और नंचिनिया बैठी है टेंटन है मेरे तो ये पेड़ घूम जाए यार मिले बैठी एक बार यार। राजू काशिल का पत्थर, काशिल का पत्थर अभी यार मैं यहाँ साइड है वहाँ साइड तो काशिल का पत्थर पहले मैं यहाँ देखू नहीं तो यहाँ जो टोरा टोरा दिखी ना मैं फोटो तब लग खेचे न लग फोटो खेच भी देखू काशिल का पत्थर क्यों रो यार इतनी हो ये तो कमर थकने यार मैं देख मनी क्यों मनुदा। तो यहाँ वर्ण स्टेज है अलवे तो मुख्यमंत्री महोदय उन्हीं तो स्टेज पिछाड़ कर रखो जरा सा कंचू भैया वो कब से चलेगा सर। ये कंचू भैया हूँ पूछने थे कि टोरा टोरा कब चलोल कभी क्या बात है यार ये नंती ना यार यो मिक्की माउस बागेश्वर में रेल आ गई हाँ इससे ज्यादा क्या। अरे हो यार ये देखो रेल में बैठे हैं मैं बैठी है मैं भैया कैसे हैं सर बहुत बढ़िया ठीक है अच्छा।
मजा आ गया यार, आप तो ग्रेट यार, इतना बड़ा हुआ है यार आपका। कल भी नहीं दिखाया, कल दिखाया था मैंने, कल के लाइव में है काशील का पत्थर दिखा रखा मैंने। मनीष भैया मैंने दिखा रखा है, आज लगभग लगभग कंप्लीट है, अभी भी उसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। तो यहाँ आई है रेल, रेल चलने वाली है, ओए पटरी चले लिया है, रेल चलने की है। तो ये छू रेल आ रहे हो, मिले बैठी आ रही मैं। हैं बैठ है, हैं पंकज भाई बढ़िया है यार। ये देखो यार चंडी का मंदिर, तो ये बनेगा स्टेज ये वाला।